हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम मज़े में होंगे। और अब भी बज चुके हैं 6:30 बजे मैं उठी हूँ। 6:30 में 5-10 मिनट पहले ही उठी और अभी उठ के मैं पी हूँ पहला एक गिलास पानी। और कदे गर्म पी करूँ, लेकिन आज थोड़ी सी पेट में जलन सी महसूस हुई तो मैं नॉर्मल पानी लिए, गर्म पानी यूज़ कौन करो। और उपवास हो है तो भी मैं सुबह उठ के एक चाय ची है और पानी, ये चीज़ तो मैं ले ही लूँ सुबह उठ के नहाऊँ, मतलब पूजा पाठ हूँ पहला भी। तो चाय तो कोई कंपलसरी को नहीं, लेकिन पानी मेरा एकदम कंपलसरी है। मैं सुबह उठते से ही चाहिए पानी पीना। और वह बाद में मैं बनाने लगी अभियांश का नाश्ता की तैयारी करने लगी, साथ में बनावाई मम्मी पापा खातर चाय। और मैं नहा दोगे फिर ही पीऊँगी चाय, तो मम्मी पापा खातर अदरक वाली चाय। और अभी मैं अदरक वाली चाय थोड़ी सी अवॉइड कर रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन जैसी महसूस हो अदरक की चाय पीना, क्योंकि गर्मी आ गई अभी। तो मैं सिर्फ इलायची यूज़ करूँ चाय में, और चाय भी बहुत कम कर रखी है, 2 ही टाइम, बहुत कम इस होवे कि 3 टाइम पीऊँ। उपवास हो या ना हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन चाय मेरी 2 टाइम और कदे तो बिल्कुल 1 टाइम, कोई ज़्यादा कंपलसरी को नहीं भी चाय पीनी है। तो और मैं रख दूँगी मम्मी पापा की चाय, और अभियांश ने उठा के बाथरूम में बैठा के आ चुकी हूँ मैंने, और इतना मैं कर दूँगी। साथ ही साथ नाश्ते की भी तैयारी, अभियांश का टिफिन की तैयारी। और सुबह उठते से इन्हें बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाए, भागम भाग रहना पड़ा, क्योंकि अभियांश की तैयारी करनी पड़े, मैंने सुबह स्कूल भेजना पड़े, फिर नाश्ते के बारे में सोचना पड़े कि नाश्तों के बनाऊँ, फिर वह बाद में टिफिन के बारे में सोचना पड़े कि टिफिन में क्या बनाऊँ वो सब चीज़। और पापा ने भी पानी देना है, तो पापा भी आज गर्म पानी कौन मांगे, गर्मी में पापा वैसे भी गर्म पानी कौन पिए, और मैं चाहिए गर्मियों से सर्दियों गर्म पानी ही लूँ। और अभियांश का टिफिन में खाड़ो जावे वेंगे मेन्यू के हिसाब हो, डायरी के हिसाब हो, और डायरी के हिसाब हो थोड़ा सा भी नवीन हो जाए तो टीचर को तुरंत ही मैसेज आ जाए कि डायरी के हिसाब से टिफिन भेजो, ये करो वो करो। तो आज देनो तो मैंने सैंडविच हो, लेकिन सैंडविच में देऊँ कि ना तो वो बॉयल करेड़ा आलू वह मैं चावे, ना वो सब्जी डलानो चावे, फिर मैं सैंडविच बनाऊंगी क्या चीज़ कर दूँ, मेरे को समझ में को नहीं आवे। कई बार तो मैं क्या होगा कि मेयोनी और सिर्फ चीज़, ये 2 चीज़ मिला के, और वह मैं थोड़ी सी रेड चिल्ली फ्लैक्स और ऑर्गेनो डाल के वो सब डाल के देख लूँ, लेकिन आज मैं मैंने थोड़ा सो ब्रेड और ऊपर वो कई बार तो सूजी भी लगा दूँ, और आज मैं सिर्फ वैन लगा के दूँगी बेसन को गोल करके, तो वो भी एक अच्छा लगे नाश्तो सिंपल सो। तो ना वो सैंडविच हो ना वो पकौड़ो हो, लेकिन खाने में ठीक ठाक ही हुआ, अच्छा लगे, मतलब मन मन बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभियांश भी खुश हो गए खा ले, ज़्यादा मगजमारी कौन करे। तो यूर मैं बेसन घोल लिए, बेसन घोल लिए, और बेसन में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, ताकि वह मैं गांठ भी ना गिरे और दूसरों वो ज़्यादा पानी भी ना होवे। तो अंग अंदर डाल दिए मैं चिली फ्लैक्स डाल दिए, थोड़ी सी अजवाइन डाल दूँगी, अजवाइन डालने के बाद में थोड़ी सी एक तो क्रिस्पी पन आ जाए और दूसरों वो एसिडिटी वगैरह कौन करे कोई भी चीज़। तो थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी कर्स करके, थोड़ा नमक डालूँगी, बस ये 3 ही चीज़ डालूँगी, मैं ज़्यादा कुछ भी ऐड कौन करूँ। और इन्हें 15 मिनट खातर रेस्ट खातर रख दूँगी, ताकि जो बेसन है वो अच्छा फूल जावे। और इतना मैं मेरी कर लूँगी और तैयारी। और तैयारी में ये है कि जब भी सब्ज़ी बनानी हो ना, भिंडी की सब्ज़ी खासकर, तो मैं वहीं तैयारी पहला ही करके छोड़ दूँ, भिंडी ने धोगे और बालकोनी का मैं सुखा दूँ, तो ताकि जब तक सब्ज़ी बनाने को टाइम आवे ना, इतने मैंने धोनो पूछने की जरूरत ना पड़े, इतना भी सूख के रेडी मिले मैंने। तो यो काम मेरे हमेशा को हुआ है कि मैं जब भी भिंडी की सब्ज़ी बनानी हो तो मैं अभियांश ने स्कूल अभियांश की टिफिन की तैयारी करूँ, वही टाइम मैंने धोगे रख दूँ, तो वह अच्छा सूख जावे। और यहाँ पे बनके रेडी होगी मम्मी पापा की चाय, तो वहाँ चाय दे दूँगी मैं। और अभियांश को बैग की बुक्स वगैरह वो सब चेक करनी है, पेंसिल वेंसिल छील के डालनी है, पानी की बोतल रखनी है, तो ये सारा काम मैं अभियांश से उठाऊँ पहला कर दी। और मम्मी भी ईब उठ के आया है, और पानी की बोतल भाई अभियांश ने 2 देनी पड़े, क्योंकि स्कूल एक तो मैसेज भी आ गया कि बच्चों के पास 2 पानी की बोतल होनी चाहिए, दूसरों अभियांश के पास बोले कि मम्मी मेरे पानी ख़त्म हो जाता है, और फिर एक दूसरे का झूठा पानी पिए या फिर और करे, तो मैं 2 ही बोतल डालूँ, अभी 2 दिन में डालने लगी हूँ।
और पापा मेरा गुस्सा करने लग रहे कि बैग में पहला इतना ज़्यादा वजन है, तू दो पानी की बोतल क्यों देने लग रही है। तो ये बस ब्रेड डिप करी बेसन में और रख थोड़ा सो घी लगा के और नॉन स्टिक पैन के ऊपर रख देनी है। और यो भाई पैन मेरे जंग ऊपर मैं रोटी बनाई करूँ, नॉन स्टिक पैन थोड़ा सो कोटिंग उतर रही है। मैं सोची कि चलो ऐ पैनों काम चल जाएगा, लेकिन चालो को नहीं, मेरी ब्रेड जो है ना वह चिपक के खड़ी होगी वैंग ऊपर ना को काम चल गया लेकिन चिपक गई। तो फिर मैं ले गया नए वालों निकाल गए। और आप चाहो ना तो बेसन के अंदर सब्जियां भी ऐड कर सको, लेकिन अब यहाँ सब्जी कौन खा, तो मैं सिर्फ सिंपल सो ही रखी है और नाश्ता भी ना ब्रेड ही दूंगी, क्योंकि यह मुँह ये छोड़ेगा क्योंकि सुबह सुबह का नाटक बहुत ज़्यादा चल रहा है। उठते सी कोई भी बच्चों खावे भी को नहीं, और दूध लस्सी दही ये सब है एलर्जी की वजह, डॉक्टर भी थोड़े दिन खातर अब मना कर दिए, बिल्कुल ही नहीं देना है ना। अभियांश टिफिन बनाने बाद में अभियांश ने छोड़ के आने बाद में मैं आ गई सीधी बाथरूम में ही, क्योंकि ना आगे मन करनी पूजा पाठ, तो मैं नहा ली हूँ। और नानू भाई मेरा दिन दो तीन बार चल रहा है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। और हाँ अभी मैं एक चीज़ बताना और भूल गई कि शाम के टाइम में चालू कर रखे है योगा। गवर्नमेंट की तरफ ही स्कीम आ रखी है कि आपको हर बिल्डिंग, अभी ये है कि हर बिल्डिंग के अंदर योगा कराना रही आने लग रहे हैं, वे फ्री में योगा करावे। तो हमारी सोसाइटी में भी मतलब हमारी बिल्डिंग में भी आवे तो मैं अपने दिखाऊँगी और योगा अच्छों करावे भी। गवर्नमेंट की तरफ रूल निकले हर बिल्डिंग में आवे वे आसपास के एरिया में एक एक बंदो नियुक्त करा के, सैलरी भी शायद गवर्नमेंट की तरफ ही मिले। तो झाड़ू निकाल दिए, झाड़ू तो मैं पूरे घर की निकाली है, पोचो मैं सिर्फ होल होल में लगाए है। और जब भी आप पूजा पाठ करा तो मैं पहले एक बारी घंटी बजा देनी चाहिए तो देवता जो सोया हुआ वे उठ जाए और मैं बैठ गई हूँ पूजा पाठ करने। और काफ़ी लोग कोई पाठ करे कोई कुछ करे कोई कुछ करे, भाई मैं सिंपल सी पूजा करूं जेंगे मैं एक तो माता जी की आरती होवे, दूसरों फिर गणपति जी की आरती होवे, बस इतना ही करूं। कपूर मैं लगाऊं को नहीं, कपूर अगरबत्ती ये सब अभियांश की वजह डॉक्टर सब कुछ अवॉइड करवा रखी है। और बहुत सारा लोग है ना पीछे माता जी को दरबार भी सजावे, लेकिन मम्मी का मैं कदी कौन सजाए तो सिंपल सो ही रखना है व्रत, मतलब सिंपल रखना है। तो मैं भी कुछ ही कौन सजा रखी हूँ, सिर्फ सिंपल सी ही माता जी बिठा रखी है और पूजा गई है हो मेरी। मंदिर का दिया बत्ती भी कर दिया और पूजा भी कर दी और कान्हा जी भी ने लागे बैठा दिया। तो ये सारा काम मेरा सुबह सुबह का, मम्मी पूजा पाठ करे करा वे काम ही मैं करूँ। और वह बाद में आ गई भाई बेडरूम में, बेड की चादर वदर मेरे को चेंज करनी थी और नाश्ते की और टिफिन की तैयारी मैं करके आ चुकी हूँ पहला ही। और अभी तक पापा ना रहे हैं, ये ना रहे हैं, तो वहाँ नहाने बाद में ही मैं नाश्ता बनाऊँगी। सब्जी बना दी है और हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, सारा काम हो गया है, दूसरा झाड़ू पोछा हो गया, मेरे बाथरूम इतना सब डूब गया। हाँ सॉरी, तो बाथरूम वाथरूम सब डूब गया है और मैं नहा ली हूँ दूसर। मम्मी लगायो पोछो आज भी, बोली तो उपवास है, बिना मतलब चक्कर आ जाओ और आ जाओ। तो अभी मैं बना रही हूँ दोनों सासू खातर चाय। मम्मी झाड़ू पोछो करे नहीं, इतना मैं सारा दरवाजा खिड़की बाकी है खिड़की कल करूंगी, दरवाजा सारा साफ कर दिया और बेड चार वो सारा साफ कर दिया। मतलब कोई छोटो सा मोटो काम अलग करवा दे ना तो फिर एक्स्ट्रा काम करने की भी इच्छा हो जाए। और अभी बज चुके हैं एक बजे, तो आज चौथा दिन नवरात्रि को। और अभियांश बोलता है ये कैसी नवरात्रि है, इसमें गरबा नहीं होता। सारू का या चुन्नी उड़ी रहेगी मम्मी की, तो सारो चीज एकदम अपनी जगह पे साफ सुथरी हो गई है, अभी हाल फिलहाल खातर हो गई है। बाद में तो अभी आंसर आना है, बाद में तो घर वेरे को किसो ही मिलेगा इसमें, क्योंकि मैं नवासा में आज मैं बोट में नहीं जा पाया ना, तो आज मैं ये वाले बोट में जाऊंगा। ओके ओके जाओ।
हाँ तो कर लिए। टिकट लेके आनी पड़ेगी ना। और यह वीडियो है श्याम की, और है ना वापी में, और वापी में घर का जो पास को एरिया और बहुत सारा प्लॉटिंग खाली है, तो उरा ये जो दो चार प्लॉट है उरा फिक्स ही है कि उरा मेला आता ही रहे आता ही रहे। तो हाँ देख लियो, तो शाम के टाइम में अभियान से का इंजॉयमेंट खाता रहने ली आवा कदे कदे बाहर, तो उरा कदे कोई झूला वूला ये सब कुछ ना कुछ बच्चा के खाता रखा ही है, क्राफ्ट मेलो आवे। और मैं सिर्फ थोड़ा सा एन अच्छो लगा और मैं भी थोड़ा घूम लिया, तो ये मैं देखने लग गई भाई प्लाजो है पजामा है थोड़ा अलग अलग रेंज का है, 100, 150, 350, 400 और 450 इतने तक की रेंज का आई है, किन्ने कैपरी किन्ने कुछ हो, ये काठ को सामान हो जो मैं बहुत बार आपने दिखा भी चुकी हूँ। तो मैं पूरा मेले की एकदम परफेक्ट वीडियो कॉल बनाई, और ये देखो राया कपड़ा कॉटन का सूट है एकदम प्योर कॉटन का, लेकिन मैं लेके को नहीं आई, मैं सोची क्या पता अभी कैसे निकलेंगे, और चिकन को कहा मांगो, पर कपड़ों एकदम सॉफ्ट हो अच्छो भी हो क्योंकि रंग कलर जागो के रहो, तो मैं लेके को नहीं आई लेकिन मन अच्छो लागो। हाँ मटेरियल एकदम अच्छा आंगो एकदम सॉफ्ट हो, लेकिन थोड़ी सी रेंज हाई ही, जो भी एन टाइप का जो मेला लगा है ट्रेड फेयर वगैरह लगा है तो वहाँ की रेंज थोड़ी हाई रखा है। और इस बार जो इयर रिंग्स वगैरह आना आगे जो वैरायटी ही वे काफ़ी अच्छी लगी मैंने, लेकिन मैंने कोई भी लेनो को नहीं हो, तो मैं कुछ भी इयर रिंग वगैरह कुछ लेके को नहीं आई क्योंकि फालतू का पड़ा रहा है, मेरे को न्यू भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो लेकिन हाँ वैरायटी इस बार बहुत सुंदर है, जब बार लेने को मूड बना के जाऊँ वह दिन मिला है को नहीं, और जब दिन नहीं लेके आऊँ वह दिन मिला है, तो ये काफ़ी अच्छा अच्छा सामान आ रखे हो इस बार। कपड़ा की पूरी बरमारी खादी कॉटन का, फिर ये टाइप का जींस गुबर पहन का टॉप, ये भी 300 वगैरह कुछ में, और फिर आगे फिर ये सरग बोला है कि शायद हाँ, तो ये पैरन की ऊपर की पतली पतली जैकेट से ये भी काफ़ी अच्छी, और फिर यही ऑयल वगैरह धूप बत्ती वगैरह और अचार वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आई जो नॉर्मल से मेल है वही चीज़। और ये हो भाई पीछे स्टेशनरी को सामान बच्चा को इतना सारा, ये पेन इतना सारा डिजाइन का, और ये तो एक बहुत सुंदर पेन हो जिराफ को, लेकिन अभी अभियंस का पेन कोई काम का को नहीं। तो ये स्टिकर वगैरह, फिर पाउच वगैरह बहुत सारी वैरायटी ही पेंसिल की रबड़ की, तो ये पेन की, तो ये सारी चीज़ काफ़ी वैरायटी के अंदर आ रखी। तो मैं अभियंस खातर थोड़ी मोटी चीज़ ले रूँ, वो मैं अपने घर जाके दिखाऊँगी के खरीदो वहाँ, और रंग रेट काफ़ी कम हो सस्ता आई है, कोई 30 रुपये 40 रुपये अलग अलग रेंज में ही सारी चीज़, लेकिन 30, 40 और 50 में ऊपर कोई भी चीज़ को नहीं, 10, 20, 30, 40 बस इतनी सी। तो चीज़ सुंदर ही, और ये एक टोकरी दे दे कि जो भी सामान चाहिए वो टोकरी के अंदर डाल लो, और ये है डायनासोर जो आप ऊपर चिपका दिया छतंग ऊपर या दीवार पर, तो लाइट बंद हो जाए तो रेडिएशन मतलब थोड़ा सा चमकता दिखा वे चीज़ें। तो ये अभियान खातर में थोड़ी मोटी चीज़ देखी जो मैंने अच्छी लगी वह मैं उठा ली। तो सामान इस बार बहुत ज़्यादा हो, कपड़ा ज़्यादा है और ये सब चीज़ ही चीज बनाई से है जो कर्मो पर है रेडी मतलब ही कर मतलब ही ए ए गलत बात है यार बकड़े मुंह मुंह के पीछे दो चल अभियांश नहीं खेल रहा बस मैं देख रहा हूँ ये कि आप लोगों में से मम्मी ये बात गलत है अरे नहीं चलेगा मन छोड़िए 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 इसको छोड़िए इधर से सारा चीटिंग करने लग रहा हूँ
चीटिंग क्या है खेलन ला रहा जीदे मां चीटिंग कर रही है दे दे चीटर चीटर हो नहीं तो आप ऐसे हाथ से क्यों कर दोनों के दोनों जुड़ गए एक दूसरे के नहीं जाएंगे आपके घर के आगे ऊपर वाले बहुत इजी ऊपर वाले तो इजी है ऊपर वाले तो फटा जाए चीटिंग वाले ओए मैं कैसे चीटिंग करता हूं हां मैं कैसे चीटिंग कर सकता हूं बोलिए एक नंबर का चीटर और अभी बुच्चो के भाई रात का 11:30 और मैं देखो खेलन लाग रहा सारो घर सोवे कोनी कोई मेड़ा मुआड़ा बाद में मैं सारो खेलियो कोई आधा घंटा तक और सोन को मारो लेट है 12 बजे कदे 12:30 बजे और आगे तो बहुत ज़्यादा लेट है आगे ऑफिस आने को कोई टाइम को नहीं आज तो थोड़ा जल्दी आ गया तो मैं अभियान से ना मैडम ले गया कदे जल्दी आ जाए लेकिन कदे कदे बहुत ज़्यादा लेट आ गया।